हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से निर्णय दिए हैं, लेकिन हमने उन सब को आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऐसा क्यों है? यह बहुत जिज्ञासा वाला सवाल है, अतः हम इसका उत्तर सब व्यूअर्स के लिए प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए लेटेस्ट जजमेंट्स का हवाला देते हैं, जिससे आज आप व्यूअर्स के सामने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित पूरा कानून और इसका विकास प्रस्तुत कर देते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमने अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर वाले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद अन्य किसी केस का हवाला क्यों नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए लेटेस्ट जजमेंट का नाम है रविंदर सिंह एलियस काकू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिमिनल अपील नंबर, ये कई अपील थी 1308 से लेकर 1311 तक 2019 वाली। पूरी साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसमें भी एक अन्य केस का हवाला दिया गया था, वह था अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंट्याल। सामने स्क्रीन पर आप इसकी भी साइटेशन देख पा रहे होंगे। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। हम दोबारा याद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का पहला मामला एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधु 2005-11 एससीसी 600 के केस में आया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो वह किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पैदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, अतः उसे सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक कोर्ट में साबित किया जा सकता है। आप लोगों को ध्यान होगा, सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करने का तरीका बताया गया है। जब प्राइमरी एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता तो सेकेंडरी एविडेंस को किया जाता है। तो नवजोत संधू में यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्राइमरी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्ट के सामने नहीं है, तो ऐसे में सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट के सेकेंडरी एविडेंस के प्रावधानों के तहत उसे कोर्ट रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। देखने से ही लगता है कि यह निर्णय नए बनाए गए सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट को अनदेखा कर देता है और उसका कोई भी कारण नहीं प्रस्तुत करता है। अतः देखने मात्र से लगता है कि यह निर्णय ना तो गंभीर चिंतन का परिणाम है और ना ही गंभीर चिंतन का विषय है, लेकिन देश की जनता इस निर्णय से 2014 तक दुखी की जाती रही। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014-10 SCC 473 में पिछले फैसले नवजोत संधू को ओवररूल कर दिया। इस अनवर पीवी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को केवल सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए तरीके से ही कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है और उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B पार्ट 4 एविडेंस एक्ट के दिया जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि हमने अपने बहुत से वीडियोस में कहा है कि भारत की अदालतें अनेक बार शुद्ध न्यायिक सिद्धांतों की रक्षा करने की बजाय इस धारा में बह जाती हैं कि आरोपी बचकर न जाने पाए, उसे ऐसे नहीं तो वैसे सजा कर ही दी जाए, और इसके लिए वे कानूनों की टांग खिंचाई करने से भी परहेज नहीं करते हैं। वे तो एक केस की खातिर कानून बदल लेते हैं और भविष्य का नहीं सोचते हैं। उस गलत कानूनी व्याख्या से अनेक आरोपी अनेक वर्षों तक अन्याय से पीड़ित होते रहते हैं। सोचो कि नवजोत संधू के गलत फैसले से 10 वर्षों तक कितने आरोपियों ने अन्याय सहा होगा। खैर, अनवर पीवी वाले फैसले से गलत एविडेंस लाने वालों की शामत आ गई, आरोपियों को रिलीफ धड़ाधड़ मिलने लगे। तभी 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय आ गया, वह था टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल अपील नंबर 142 ऑफ 2015। इसमें कहा गया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B, ये दो सेक्शंस जिन्हें अमेंडमेंट के द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में शामिल किया गया था, ये दोनों सेक्शंस केवल तरीका बताने वाले, प्रक्रिया बताने वाले सेक्शंस हैं और इनका काम केवल स्पष्टीकरण देना भर है। ये दोनों सेक्शंस अपने आप में संपूर्ण नहीं है, अतः सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4 एविडेंस एक्ट को आवश्यक नहीं माना जा सकता, उसे छोड़ा जा सकता है। यानी कि इस फैसले ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत दिए जाने वाला सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। इससे क्या हुआ, फर्जी सबूत लगाने और सही सबूत
ना लगाने वालों की बल्ले बल्ले हो रही थी। आरोपियों पर क्रमशः संकटों के बादल जबरदस्ती करके बरसाए जा रहे थे और यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि 3 जजों की बेंच द्वारा दिया गया अनवर पीवी का निर्णय 2 जजों की बेंच क्यों नहीं मान रही थी और क्यों उसके खिलाफ निर्णय दे रही थी। बड़ा घटाटोप था। 2016 में ऐसा ही एक और फैसला आ गया, के रामाज्यम वर्सेज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2016 SCC ऑनलाइन मद्रास 451। इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया गया था जो आरोपियों को बिल्कुल तबाह कर सकता था। इसमें कहा गया था कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगाया जा सका है तो कोर्ट में गवाही देते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का स्वामी जमानी बोलकर ऐसा सर्टिफिकेट दे सकता है। जानकारों के अनुसार इस निर्णय ने जांच और ट्रायल का भेद ही मिटा दिया था। जो काम जांच के दौरान होना चाहिए था उसे ट्रायल के दौरान किया जा सकता हो तो फिर कोर्ट की जजों की जरूरत ही क्या है। दारोगा जी को कह दीजिए कि जांच के बाद वह फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक जजमेंट भी दाखिल कर दें। क्यों बेचारे जज साहब को परेशान करते हो, अदालतों की जरूरत ही क्या रह जाती है। लगता है इतना होना पर्याप्त नहीं था और तभी एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ पहुंचा, शफी मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018-2 SCC 801। इस निर्णय ने तो उन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करने की इजाजत दे दी जिनका उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई वास्ता ही नहीं था। वे लोग बिना सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B 4 इंडियन एविडेंस एक्ट के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को फाइल कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस केवल प्रक्रिया का एक स्रोत है, इसे छोड़ा जा सकता है। इस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ नहीं देखा जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वह कहता है कि कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। तो आप इस एक फैसले के आधार पर आर्टिकल 21 को निरस्त कैसे कर सकते हैं, कैसे सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस के द्वारा बताई गई प्रक्रिया को छोड़कर बिना प्रक्रिया के एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पर कैसे ले सकते हैं जो आरोपियों के जीवन और स्वतंत्रता से को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया। तभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंट्याल। साइटेशन ऊपर शुरू में ही दे दी गई है। यह भी 3 जजों की बेंच का निर्णय था। इस निर्णय अर्जुन पंडित राव में सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी वाले केस के निर्णय को कानूनी रूप से सही बताया। इसके साथ ही टोमासो ब्रूनो, के रामाज्यम और शफी मोहम्मद इन तीनों केसेस को कानूनी रूप से गलत बताया। इन तीनों केसेस के लिए पर इनक्यूरियम कहा। पर इनक्यूरियम एक लीगल मैक्सिम होता है जिसका हिंदी में अर्थ होगा बिना सोच विचार के किया गया काम। अंततः अपने 2022 वाले निर्णय रविंदर सिंह एलियस काकू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसकी साइटेशन अभी सबसे ऊपर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में पूरे कानून का जायजा लिया और अर्जुन पंडित राव वाले केस का अनुसरण किया। आपने देखा कि अर्जुन पंडित राव वाले केस ने अनवर पीवी वाले केस की पुनर्प्रतिष्ठा स्थापित की थी। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि अनवर पीवी से शुरू करके अर्जुन पंडित राव वाले केस में और फिर बाद में रविंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में यही कानूनी व्याख्या दी गई है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाया जाएगा वह सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लगाया जाएगा और इसकी एडमिसिबिलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का स्वामी देगा जिसके डिवाइस से वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तैयार किया गया है या जिसका आउटपुट वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। उस मालिक को छोड़कर कोई भी अन्य ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा। तो अब व्यूअर्स को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमने अनवर पीवी वाले केस के बाद में दूसरे केसेस की स्थिति आपके सामने क्यों नहीं लाए थे, क्योंकि अनवर पीवी का केस ही शुरू से लेकर आज तक यानी कि 2014 से लेकर आज तक वही कानून की सही रूप से व्याख्या करता है। आज की प्रस्तुति सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए और सभी यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए हमें लगता है कि बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं।
सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 CRPC तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें, विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें, झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।